जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा प्रदत्त श्री शालिग्राम भगवान। सन 1968 का प्रसंग है। दक्षिण भारत के एक भाई गीता वाटिका आए। वे सन्यासी थे। आयु लगभग 30 वर्ष की थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने सर्वसमर्थ श्री रामदास जी महाराज की शिष्य परंपरा में सन्यास लिया है। उनके साथ उनकी सगी बहन भी थी। उन सन्यासी भाई को उनके श्री गुरुजी महाराज ने आज्ञा दी कि उत्तर में हिमालय पर्वत पर जाओ और शालिग्राम की बटिया ले आओ। सन्यासी भाई के श्री गुरुजी महाराज को श्री शालिग्राम पूजन करने का भगवद आदेश हुआ था। वे मन ही मन सोचने लगे कि हिंदू धर्म की प्राचीन पद्धति के अनुसार जिसे शालिग्राम पूजन करना हो वह नेपाल की गंडकी नदी के किनारे जाकर स्नान पूजन करें और गंडकी नदी से ही शालिग्राम जी प्राप्त करें, यही शास्त्र आज्ञा है। उनकी उम्र बहुत अधिक थी, अतः उन्होंने अपने एक शिष्य को नेपाल भेजने का निश्चय किया। जो सन्यासी भाई गीता वाटिका आए थे तत्स्थानीय मातृभाषा जानते थे, पर उत्तर भारत में हिंदी भाषा की प्रमुखता है। उनकी बहन स्थानीय प्रचलित मातृभाषा तो जानती ही थी, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भी जानती थी। भाई ने अपनी कठिनाई को अपनी बहन से कहा, उत्तर भारत जाना है, वहाँ की भाषा मैं जानता नहीं, और पूज्य गुरुजी महाराज की आज्ञा है कि हिमालय पर्वत पर जाकर शालिग्राम बटिया ले आओ। यह सब कैसे हो पाएगा समझ नहीं आ रहा है। बहन ने कहा, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, भाषा की कठिनाई नहीं रहेगी, साथ ही दो व्यक्ति के रहने से यात्रा सही प्रकार से हो जाएगी। वे दोनों भाई बहन दक्षिण भारत से चलकर गोरखपुर आए और गीता प्रेस गए। उन्होंने सोचा कि वहाँ जाने से शायद सही स्थान पर जाने का मार्ग और उचित परामर्श मिल जाएगा। गीता प्रेस के मैनेजर ने उनको गीता वाटिका भेज दिया। गीता प्रेस के प्रथम यशस्वी संपादक होने के नाते पूरे भारत में पूज्य श्री भाई जी की बहुत ख्याति थी। वे दोनों पूज्य भाई जी से मिले। उनकी संभाल सत्कार का दायित्व बाबूजी ने श्री बंका जी को सौंपते हुए कहा, ये दोनों दक्षिण भारत से पधारे हैं और शालिग्राम जी प्राप्ति हेतु नेपाल जाएंगे। इन्हें अंग्रेजी आती है, हिंदी नहीं, अतः तुमसे ये खुलकर बात कर सकेंगे। तुम इनके आवास भोजन की सारी व्यवस्था करो और यात्रा का प्रबंध भी कर दो। श्री बंका जी ने भाई जी की आज्ञा अनुसार दोनों अतिथियों का खूब सत्कार किया और उनकी यात्रा की सारी व्यवस्था यथावत रूप से कर दी। पूज्य भाई जी ने उनको कुछ सुझाव दिए और हिमालय पर्वत पर नेपाल की गंडकी नदी के किनारे जाने के लिए कहा। साथ ही अपने आराध्य और अपने श्री गुरु जी महाराज को मन ही मन प्रणाम करके यात्रा आरंभ करने का निर्देश दिया। वे दोनों भाई बहन प्रसन्न मन से यात्रा पर निकले। पर्वत पर चढ़ते चढ़ते दुर्भाग्य से वे उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ नरभक्षी प्राणी रहते थे। प्रभु कृपा से वे उस स्थान से किसी प्रकार बचकर निकल आए। एक कठिनाई और हुई। भाई बहन में से किसी एक के पैर में बहुत बड़ा कांटा घुस गया। चल सकना कठिन था। जिसके पैर में कांटा नहीं था उसने दूसरे व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद करके आगे की यात्रा की। जहां कुछ प्रकाश मिला वहां उस कांटे को किसी प्रकार निकाला। फिर उन लोगों ने शालिग्राम बटिया की तलाश की, परंतु सफलता नहीं मिली। दुर्भाग्यवश उन्हें गंडकी नदी में एक भी वैसी शालिग्राम शिला नहीं मिली जैसी उनके गुरुजी को चाहिए थी। उनके गुरुजी ने उनको शंख चक्र अंकित शुभ लक्षणों से युक्त शालिग्राम शिला लाने का आदेश दिया था, पर बहुत खोजने के बाद भी उन्हें एक भी चक्रांकित शिला प्राप्त न हुई। दोनों उदास मन से असफल होकर गीता वाटिका वापस लौट आए और अपनी आप बीती पूज्य भाई जी को सुनाई। बहुत निराशापूर्वक उन्होंने कहा, हम लोग गुरु सेवा करने की आशा लेकर घर से निकले थे, हमारा मनोरथ अधूरा रह गया। इतनी लंबी यात्रा करके भी हाथ कुछ नहीं लगा। अब हम दोनों वापस लौटकर गुरुदेव को क्या मुंह दिखलाएंगे। भाई जी को उनकी बात सुनकर बड़ा खेद हुआ, उनकी निराशाजनक वाणी सुनकर, पर दुख कातर बाबू जी का हृदय पसीज गया। उन्होंने अति मनोहार युक्त कोमल वाणी में उनसे कहा, यह कहाँ तक उचित है कि आप लोग खाली हाथ पूज्य श्री गुरुजी के पास जाएं।
अगर आप मेरी बात पर विश्वास करें तो आप लोगों को एक बार दोबारा नेपाल यात्रा करनी चाहिए और चतुर्भुज रूप नारायण भगवान का ध्यान करते हुए उनसे सच्चे मन से करुण प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दीनानाथ, हे दयामय, यदि तुम मिलना न चाहो तो इस संसार में तुम्हें कौन ढूंढ सकता है भला। हम गुरु आज्ञा से इतनी दूर तुम्हारी खोज में आए हैं, हमें निराश मत करो। इस प्रकार से यदि तन मन से प्रयास किया जाए तो भगवत इच्छा और भगवत कृपा से आपका कार्य बन सकता है। पूज्य भाई जी के प्रोत्साहन प्राप्त करके उन दोनों शिष्यों के मन में बहुत उम्मीद जगी और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक भाई जी की बात स्वीकार कर ली। भाई जी ने पुनः श्री बंका जी को बुलवाया, उन दोनों अतिथियों की संभाल का संकेत दिया। श्री बंका जी उन्हें सप्रेम भाई जी के चौके में ले गए और मनोहार पूर्वक भोजन कराया, उनकी दोबारा यात्रा की व्यवस्था की, भोजन शयन दवा आदि का प्रबंध किया। इन दो चार दिनों में श्री बंका जी के नम्र स्वभाव और सहायता सुमुत्सुक व्यक्तित्व को देखकर वे दोनों भाई बहन बहुत प्रभावित हुए और उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता हो गई। सारे कागज टिकट आदि पूर्ण होने पर उन्होंने दोबारा नेपाल यात्रा के लिए प्रस्थान किया। जब वे जाने लगे तो श्री बंका जी ने उनको मुक्तिनाथ की यात्रा नामक पुस्तक दी, जो सफर में उनके बहुत सहायक सिद्ध हुई। अब की बार भाई जी ने अपनी दिव्य शक्ति का संचार किया। इस बार की यात्रा में उन्हें भगवत इच्छा और भाई जी की कृपा से पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने उम्मीद से अधिक सुलक्षणों से युक्त शालिग्राम जी प्राप्त हुए। भगवती गंडकी नदी के प्रवाह में उन दोनों ने कमंडल भर के सुंदर सुंदर शालिग्राम जी एकत्रित किए और प्रसन्न मन से गोरखपुर लौट आए। इस समय श्री बंका जी गोरखपुर में नहीं थे, भाई जी ने उन्हें एक काम से उन्हें वाराणसी भेज रखा था। दोनों शिष्य भाई जी से मिले और अति आनंदित हो उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन सुनाया। उन्होंने यह भी कहा, आपकी कृपा से हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ, हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अब हम कल दक्षिण भारत लौट जाएंगे। आपके परिकर श्री बंका जी ने हमारी बहुत सहायता और संभाल की है तथा मुक्तिनाथ की यात्रा नामक पुस्तक भी दी थी, जो सफर में हमको बहुत सहायक हुई। इस कारण से हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। हम प्रसन्न मन से उनको एक शालिग्राम जी उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। इतना कहकर उन्होंने एक अति सुंदर श्याम वर्ण चक्रांकित गोल शालिग्राम जी की बटिया भाई जी के समीप बैठे पूज्य श्री चिमनलाल जी गोस्वामी जी को दे दी। अगले दिन दोनों शिष्य दक्षिण भारत चले गए। कुछ दिन बीत गए। जब श्री बंका जी वाराणसी से वापस आए तो 7-8 दिन के बाद श्री चिमनलाल गोस्वामी जी ने शालिग्राम जी की ओर इंगित करते हुए उनसे कहा, तुम अपनी शालिग्राम बटिया ले जाओ। श्री बंका जी ने कहा, कौन सी? श्री बंका जी को चकित अचंभित जान श्री चिमनलाल गोस्वामी जी ने मंद मुस्कुराते हुए शालिग्राम जी की प्राप्ति की सारी कथा सुना दी। यह भी बताया कि तुम तो यहाँ नहीं थे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे दक्षिण भारत के मित्र आए थे, एक शालिग्राम जी तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। अब तुम आ गए हो, इन्हें अपने कक्ष में ले जाओ, इनकी सेवा पूजा तुम्हें ही करनी है। श्री बंका जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, न तो मैं शालिग्राम जी की कामना की थी, न मेरी कोई इच्छा थी, अब मैं क्या करूं? चिमनलाल गोस्वामी जी ने कहा, तुम ले लो, फिर भाई जी से पूछो कि क्या किया जाए। शालिग्राम जी की बटिया लेकर श्री बंका जी पूज्य भाई जी के पास गए और सारी बात बताई। तब भाई जी ने कहा, भगवान चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा शालिग्राम भगवान की पूजा हो, तभी तुम्हारे न चाहने पर भी वे तुम्हारे पास आ गए हैं। वृंदावन के लाडले ठाकुर श्री राधा रमण लाल भी शालिग्राम ही हैं, इन्हें भी तुम उन्हीं स्वरूप में समझो, तुम इनकी अर्चना करो, अब इन्हें अपने कक्ष में ले जाओ, तुम्हारा मंगल होगा। श्री बंका जी ने कहा, बाबूजी, इसकी पहली पूजा आप करें। मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय 22/11/68 को पूज्य भाई जी ने पूजा करके एक सफ़ेद रेशमी रुमाल के ऊपर शालिग्राम जी को पधराया और अपने मंगल आशीर्वाद के साथ श्री बंका जी के कर कमलों में शालिग्राम जी को प्रदान किया। साथ में एक सफ़ेद पुष्पों की माला भी दी। श्री बंका जी ने अपने गुरु रूप भाई जी के श्री चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने ठाकुर जी को लेकर अपने कक्ष में आ गए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धार बह रही थी। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर भाई जी के कर कमलों से श्री बंका जी को एक लकड़ी के पट्टे पर लिखा हुआ
महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे प्राप्त हुआ था। वह भी उन्होंने अपनी नित्य पूजा में शालिग्राम जी के साथ ही स्थापित कर लिया था। जय श्री राधे, आगे हम कल सुनेंगे।